बयाना में कहा है कि पहले विपक्ष के लोग लगातार अडानी अंबानी पर सवाल खड़े करते थे, अब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या डील हो गई विपक्ष की? ऐसा मिल गया होगा, राहुल गांधी और लालू प्रसाद जी तो भ्रष्टाचार के ही प्रतीक हैं। इन लोगों को पैसा मिल गया होगा इसलिए चुप है। ये लोग तो चुप होने के लिए ही जन्म ही लिए हैं। भ्रष्टाचार के प्रतीक लालू प्रसाद हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी। देश में हिंदुओं की संख्या कम हो गई है सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक 8% कम हो गई हिंदुओं की। देखिए, ये भारत है, इस भारत में सभी लोग आए। मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक इस देश को लूटा तो भी हमने ग्रहण किया। अंग्रेज भी 200 वर्षों तक इस भारत को लूटने का काम किया। भारत सबको सहता है, लेकिन भारत के लोग पूरे देश और दुनिया को बनाने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल तेलंगाना में कहा कि विपक्ष के लोग पहले लगातार सवाल कर रहे थे, अडानी अंबानी पर बोलते हैं, लेकिन आप लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या डील हो गया विपक्ष की? और पीछे के मोबाइल देखिए, ये लोग सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं और राजद कांग्रेस सत्ता के लिए सिर्फ राजनीति करता है, सेवा का भाव मन के अंदर नहीं है और कभी भी किसी के बारे में भ्रम फैला लेगा फिर उसके साथ सौदा कर लेगा। ऐसे मानसिकता के लोगों को जनता इस बार सबक सिखाएगी। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति के रिपोर्ट में देखिए, चुनाव के बाद इसकी समीक्षा होगी। सबका साथ सबका विकास का भाव प्रधानमंत्री जी का है और प्रधानमंत्री जी तुष्टीकरण की राजनीति अब कतई नहीं करेंगे और नहीं होने देंगे। अब ये माँ भारती के संतानों के साथ संतुष्टीकरण का राजनीति होगा। धन्यवाद। पूरी बहुत पुरानी खबर है, 4 दिन पहले, और उसमें कारण उन्होंने क्या दिया था आप वो भी ध्यान दीजिए। फंड का मैनेजमेंट, पैसा, सारा पैसा दबा करके तो बीजेपी बैठी हुई है। कल ही प्रधानमंत्री जी अपने दो अभिन्न मित्रों के बारे में कितनी अशोभनीय टिप्पणी करते हैं कि टेम्पो में भर भर के पैसा दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की जुबान से, अरे साहब आप तो कह रहे थे बड़े मजबूत आदमी है, टेम्पो में भर के पैसा गया, आप टेम्पो को दबोचे नहीं, टेम्पो का नंबर होगा कुछ तो करिए। आप तो गरीब किसान के घर में ईडी भेजते हैं, जरा ईडी भेज दीजिए ना, सीबीआई भेज दीजिए। असल में प्रधानमंत्री जी, मैं कल बार बार कहता हूं कि मस्तिष्क तक जो पहुंचती है तंत्रिकाएं, जिससे मिथ्या और सत्य का फर्क होता है, प्रधानमंत्री जी की उन तंत्रिकाओं पर उनका वश नहीं। मनोज जी, आपने कहा कि जहां कह रहा कि मंडल कमीशन पर चर्चा ना हो, कर्पूरी जी के आरक्षण की व्यवस्था पर चर्चा ना हो, संविधान पर चर्चा ना हो, तेजस्वी जी के नौकरी मॉडल पर चर्चा ना हो, तो जो जनगणना होगी ही नहीं। ये सब मैं कह रहा हूं कि देश के साथ ये नफरत की फसल लगाने का काम हो रहा है। अरे आंकड़े कहां से सब होंगे? आप तो हमसे कम पढ़े लिखे नहीं है। हमको ये बताइए कि जब जनगणना करेंगे तो आंकड़े कहां से आए? हम तो परेशान है, जनगणना करवाओ, उसमें जातिगत जनगणना भी कराओ। जनगणना हुई नहीं, सपना आ गया। ये झूठों के बादशाह है और प्रधानमंत्री जी झूठों के शहंशाह है। शहंशाह और उनकी टीम में कोई भरोसा नहीं। ये भैंस मंगलसूत्र के बाद अगला चल पड़ा है। आपने कई सवाल पूछे, कांग्रेस ने खंडन किया, हाँ, लेकिन ये बताइए मणिपुर कहाँ है इस देश में? विविधता का नाम मणिपुर की है ना। प्रधानमंत्री के मुंह से मौत से मछली, मौत से मटन सुना, मौत से मणिपुर सुना। आप पत्रकारों को कन्फ्रंस करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर चल रहा है, हमारी डाइवर्सिटी का हिस्सा है, लड़कियां नग्न घुमाई जा रही है, मेरे देश का बादशाह चुप बैठा हुआ है, चुप। उनकी अब गिरिराज, देखिए मैं प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी कर रहा हूँ, कहाँ गिरिराज बाबू पे ले जा रहे हैं वो, उनको खुदा ही पता नहीं है कौन सा उनका विभाग है। हिंदू मुसलमान ना करे ना तो पंचायतों में ना जीतेंगे। सैम पित्रोदा ने
हिंदुस्तान को शर्मसार किया था। एक दिन हो गया, सैम पित्रोदा ने भारत के पूरे अस्तित्व पर बहुत ही अस्तरहीन टिप्पणी की। एक दिन हो गया, उन्होंने संविधान की धाराओं के प्रतिकूल, जो इस बात की गारंटी करता है कि भारत में कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये टिप्पणी की है। अभी तक सोनिया गांधी खामोश है, राहुल गांधी खामोश है, प्रियंका गांधी खामोश है, लालू यादव खामोश है, तेजस्वी यादव खामोश है, सारे वामपंथी खामोश हैं इंडिया लगे। सिर्फ चुपचाप उनका इस्तीफा लिया गया। ये सैम पित्रोदा कौन है? राजीव गांधी के क्लोजेस एडवाइजर, उस समय के टेलीकॉम नीति के प्रवर्तक। ये सैम पित्रोदा कौन है? राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को ऑर्गेनाइज करते थे, अमेरिका में, इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में, जहां राहुल गांधी भारत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ विदेश की जमीन से बेबुनियाद बातें करते थे, जहां कोई लोकतंत्र। इसलिए आज मैं आपसे प्रेस में दोबारा बात करने आया हूं। सारा इंडिया गठबंधन अपनी मौन स्वीकृति देता है जो सैम पित्रोदा ने बोला है। सैम पित्रोदा ने क्या कहा? भारत विविधताओं का देश है, दक्षिण भारतीय अफ्रीकी हैं, पूर्वी भारतीय चाइनीज हैं, नॉर्थ इंडियन लोग अंग्रेज की तरह लगते हैं और पश्चिम भारतीय अरबिक हैं। इस प्रकार से उन्होंने भारत की विविधता को डिस्क्राइब किया। मैं सैम पित्रोदा और इंडिया गठबंधन के लोगों से पूछता हूं कि दक्षिण भारत में तो मध्यम भारतीय क्या अफ्रीकी हैं, जो वंदे मातरम को इतने योद्धा तरीके से गाया, नारायण गुरु इतने बड़े संत हुए, क्या वो अफ्रीकी हैं? स्टालिन से पूछता हूं, आपके पिताजी करुणानिधि और आप क्या अफ्रीकी मूल के हैं? भारत रत्न MS शुभलक्ष्मी क्या अफ्रीकी मूल के हैं? इसी दक्षिण भारत में रामेश्वरम है ना, पद्मनाम मंदिर है ना केरला में, तिरुपति है ना आपके, और बड़े बड़े मंदिर हैं ना, क्या मतलब है इसका? आप सबको अफ्रीका की तुलना करिए। चलिए पूर्वी भारत, माता कामाख्या देवी वहां बैठी है ना, तो पूरी भारत उनकी पूजा करता है। पूरा जो वहां पर सनातन का सत्संग हजारों साल से चलता रहा है, वो सब अपने चाइनीज नहीं है। जो अहम किंगडम रहा है, जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, आप उसको चाइनीज बोलिए। अंदर आते हैं पश्चिम भारत। महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए? पोरबंदर पश्चिम भारत में, तो क्या वो अरबिक है? गोपाल कृष्ण गोखले कहाँ पैदा हुए? मुंबई पुणे में, तो क्या वो अरबिक मूल है? लोकमान्य तिलक कहाँ? निश्चित तौर पे इससे पहले भी जो जॉब शो कर चुके हैं और आगे भी हम लोग जॉब शो करते रहेंगे। बिहार के युवा को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, कैसे उनको नौकरी मिले, बिहार के युवा दूसरे प्रदेश में ना जाए, उस पर ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे। उस पर हम लोग ज़्यादा चिंतित है कि हमारा बिहार के बिहारी युवा बिहार में रोजगार मिले, उस पर हम लोग काम करेंगे। फिर वही हिंदू हिंदू मुसलमान, अब बताइए देश में चुनाव हो रहा ना भाई, चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए? हिंदू मुसलमान ये सब 365 दिन है कीजिएगा ना, सब लोग करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन चुनाव के टाइम में चुनावी मुद्दा होना चाहिए ना कि जो सरकार ने जो वादा किया वो हुआ कि नहीं हुआ। अब हिंदू मुसलमान कौन क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, सनातन, ये सब चीज़ पे क्यों डिस्कशन लेना? और 10 साल से मोदी जी हैं तो इसको जो भी करना है उनको करना चाहिए ना। उनको अब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहा है कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, क्या बोले? हिंदुओं की घट रही है और मुस्लिम की संख्या बढ़ रही है, तो मोदी जी को बोलिए बढ़ाने के लिए। घट रहा है तो मोदी जी को बोलिए बढ़ाने के लिए।
और जो लोग बोल रहा है घटा उनको बोलिए बढ़ाने के लिए, हम उसमें क्या कर सकते हैं। हमको हम दो है, हमारे दो होना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। अब बाकी जिनको बढ़ाना है उनको थोड़े कोई रोका है, अभी उनमें अगर लिखा है कि भाई हिंदू एक्ट में भाई एक शादी ही होगा, दूसरा शादी नहीं हो सकता जब तक डिवोर्स नहीं होगा, तो ये भारत सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, उनको इस सच पे अगर कंट्रोल बढ़ाना है तो इस पे मोदी जी या भारत सरकार सोचे क्या करना। इस पे विपक्ष से क्यों सवाल कर रहा है, जनता के बीच में क्यों बात कर रहे हैं। विपक्ष चिंता मानती है कि नहीं मुकेश जी, इस विषय पे क्या चिंता मानना है, कम हुआ संख्या? नहीं नहीं, इस पे हमको क्या चिंता मानने की जरूरत है, हमको इतना मालूम है जितना छोटा परिवार होता होगा उतना सुखी होगा, जितना बड़ा परिवार होगा उतना परेशानी होगा, महंगाई है, परेशानी है, उनके लिए हर चीज़ का व्यवस्था देना है। हम देखिए, हम खाली बच्चे को जन्म देकर उसको छोड़ने के लिए नहीं आए ना, हमारे बच्चे से बहुत लगाव होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है, हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमसे भी ऊंचा स्थान पर जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से केयर करना पड़ेगा। अब जहाँ मान लीजिए कि जब बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएगा तो आप नहीं ना केयर कर सकते हैं, तो बाकी हम किसी को रोक नहीं रहे, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, तो जिनको बढ़ाना है तो बढ़ाए, और हमको हम मानते हैं कि हम दो हमारे दो, इसमें हम सुखी रहेंगे, जिनको बढ़ाना वो बढ़ाए। और ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये होना चाहिए कि देश में रोजगारी कहाँ है, लोग किसान आत्महत्या कर रहा है, उनका आय कैसे दुगुनी होगा, मोदी जी बोले कि हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, वो कब बना के देंगे, तो ये सारे चीज़ों को बोलना। अभी भारत सरकार की तरफ से 1 करोड़ का भी घर नहीं बना, 1 करोड़, और वो लोग दावा ठोक रहे हैं 4 करोड़ घर बनाए, बोल रहे हैं कि हम विकास करेंगे, विरासत करेंगे, अरे ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ ढोंग है। विकास और विरासत जो आप बोल रहे हैं ये सब ढोंग है, ढोंग ढोंग करना बंद कीजिए और जनता के बीच में आइए। मैं देश के पढ़े लिखे नागरिक से, हर जाति धर्म से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि आपके पास सोचने समझने का विवेक बुद्धि है, ये देश आपका है, ये देश आपका रहेगा, या आप मालिक हैं, आपके पास वोट गिराने का अधिकार है, आप सही से सोच समझकर वोट गिराइए, वन साइड नहीं कीजिए। अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ रही है, अरे भाई इस पे एक जनता या मुकेश सहनी क्या करेगा, भारत सरकार है ना, उस पे मंथन करे, उनको जो सही लगे वो करे, और उसके पर अगर समर्थन की बात आएगा तो फिर हम लोग से बात करेंगे, फिर हमारा क्या रिएक्शन होगा उस समय बात करेंगे। अभी तो भारत सरकार को निर्णय लेना, और हम तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी उनके मंत्री सब मिलके बढ़ाए, जनसंख्या बढ़ाए, ठीक है, धन्यवाद। उनका लगाव है और बिहार पिछड़ा राष्ट्र है, राज्य है, तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बिहार के परिस्थिति को जानना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार रहेगी और भारत का प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी बन ही रहे हैं, तो ज़्यादा यहाँ की स्थिति को समझ करके बिहार को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इसलिए डबल शो कर रहे हैं। आर्थिक सलाहकार समिति में सर रिपोर्ट आई है जिसमें हिंदुओं की संख्या घटी है, अब ये जनसंख्या बढ़ाना घटाना अपना व्यक्ति पर्सनल बातें हैं, इस पर इसको धर्म को लेकर के नहीं आगे चलना चाहिए।